हे गाइस, मैं हूं अतुल और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं व्हाट इज कोरोना, यानी कि कोरोना इफेक्ट के बारे में और ट्रांसमिशन लाइन पे हम लोग जो कंडक्टर यूज कर रहे हैं उस कंडक्टर का कौन कौन सा फैक्टर्स को जो है ये इफेक्ट करता है, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा आखिर इसका क्या डिसएडवांटेजेस है और इस कोरोना इफेक्ट को कैसे जो है मिनिमाइज किया जाता है। मैं जितना शॉर्ट में हो सके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तो प्लीज वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और कोई भी अगर डाउट क्रिएट होता तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज कोरोना। तो कोरोना को आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, हम लोगों के जो ट्रांसमिशन लाइंस होते हैं उसमें जो हाई वोल्टेज फ्लो होता है। अभी हाई वोल्टेज जो है क्यों ट्रांसमिट किया जाता है इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाया हूं, जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे दूंगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। गाइस क्या होता है, ये जो हमारे ट्रांसमिशन लाइन में जो हाई वोल्टेज ट्रांसमिट होती है तो ये जो कंडक्टर्स यूज होता है बेसिकली जो है ACSR कंडक्टर यूज होता है। ACSR का पूरा नाम है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। तो उस कंडक्टर के सराउंडिंग में जो एयर है वो एयर जो है आयोनाइज हो जाती है। आयोनाइज होने के कारण हमें जो है वो कंडक्टर के चारों तरफ एक जो है हिसिंग साउंड हमें जो है सुनने को मिलता है और उसी को जो है कोरोना इफेक्ट कहा जाता है। गाइस यानी कि मेरे बोलने का मतलब यह है कि जो भी कंडक्टर्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं यानी कि जो ACSR कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं उस कंडक्टर के चारों तरफ जो एयर होता है वो जो है एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के हिसाब से जो है काम करना स्टार्ट कर देती है, जिसके वजह से उस जगह का जो एयर है वो जो है आयोनाइज हो जाता है और जिसके वजह से हमें जो है कोरोना इफेक्ट देखने को मिलता है। गाइस अब बात करते हैं ये जो कोरोना है ये आखिर हमारे जो कंडक्टर्स यूज़ होते हैं हाई वोल्टेज ट्रांसमिट के लिए उसके जो है कौन कौन से फैक्टर को जो है ये कोरोना इफेक्ट कर सकती है। गाइस पहला जो फैक्टर है वो है हमारे कंडक्टर के सरफेस। अब आप अगर ACSR कंडक्टर के जो बॉडी है यानी कि जो सरफेस है अगर आप उसे क्लोजली देखेंगे तो आप जो है उसे रफ लाइन जो है आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये ACSR कंडक्टर पे अगर ये कोरोना इफेक्ट हमें देखने को मिलता है तो उस जगह में जो हम लोग कंडक्टर्स यूज़ करते हैं वो कंडक्टर के चारों तरफ का जो सरफेस के जो रफ लाइन है वो धीरे धीरे जो है फिलअप होते जाता है और जो सरफेस है वो पूरा प्लेन हो जाता है, जिसके वजह से वो जो कंडक्टर हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाता है और हमें जो है उस जगह में और भी ज़्यादा कोरोना इफेक्ट देखने को मिलता है। दूसरा जो फैक्टर है वो है एयर डेंसिटी फैक्टर। गाइस ये जो एयर डेंसिटी फैक्टर है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे कोरोना इफेक्ट के साथ, कि मेरे बोलने का मतलब ये है कि जितना हमारा एयर का डेंसिटी कम रहेगा हम लोगों का जो कोरोना इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, और जितना ज़्यादा एयर का डेंसिटी होगा उतना हमें कम कोरोना इफेक्ट जो है देखने को मिलता है। तो गाइस जैसे कि आप सभी लोगों को पता है जो हिली एरियाज होते हैं उस जगह में जो एयर होता है उस एयर का डेंसिटी बहुत कम होता है, जिसके वजह से हमें हिली एरिया में जो है नॉइस का जो साउंड होता है कोरोना इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा मिलता है। लेकिन आप अगर कोई प्लेन एरिया में जाएंगे तो उस जगह में एयर का डेंसिटी जो है बहुत ज़्यादा रहता है, जिसके वजह से हमें प्लेन एरिया में हमें कोरोना इफेक्ट उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है और वो हिजिंग साउंड भी जो है बहुत कम आता है। गाइस अब बात करते हैं ये जो कोरोना इफेक्ट है इसका क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। गाइस जैसे जैसे कोरोना इफेक्ट बढ़ते जाता है तो हम लोगों के जो कंडक्टर्स यूज होते हैं उसके चारों तरफ एक जो है हमें जो है लाइट देखने को मिलता है जो कि नीला कलर का होता है, जिसके वजह से उस जगह में लॉसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमारा जो फाइनल आउटपुट जिस जगह में चाहिए यानी कि जहाँ लोड रहता है उस जगह में हमें प्रॉपर जो है कभी भी वोल्टेज नहीं मिल पाता है। ये जो है एक डिसएडवांटेजेस है कोरोना इफेक्ट की वजह से। गाइस ये जो कोरोना इफेक्ट है ये कोरोना इफेक्ट की वजह से जो है हमारा जो ACSR कंडक्टर्स यानी कि ट्रांसमिशन लाइन का जो कंडक्टर्स यूज होता है उस कंडक्टर्स में जो है वाइब्रेशन देखने को मिलता है, और इसी वाइब्रेशन के कारण हम लोगों के जो कंडक्टर्स होते हैं उसके स्ट्रेंथ जो है कहीं ना कहीं कम हो जाता है, जो कि एक कोरोना इफेक्ट की वजह से डिसएडवांटेजेस है। गाइस जो तीसरा और लास्ट डिसएडवांटेज है वो है हमारा इफिशियंसी। ये जो कोरोना इफेक्ट है ये कोरोना इफेक्ट के कारण हमारा जो कंडक्टर्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं यानी कि ACSR कंडक्टर्स का जो इफिशियंसी है वो पूरा 100% नहीं मिल पाता है। गाइस अब बात करते हैं ये कोरोना इफेक्ट को कैसे जो है डिक्रीज़ किया जाए। तो ये डिक्रीज़ करने का एक जो है मेथड है वो है हम लोग जो कंडक्टर्स यूज़ कर रहे हैं हाई ट्रांसमिशन लाइन पे उस ट्रांसमिशन लाइन का जो कंडक्टर्स है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जितना कम करेंगे हमें कोरोना लॉस जो है उतना कम देखने को मिलता है। इसलिए आप जो है देखे होंगे कि हम लोग जो भी ट्रांसमिशन लाइन का यूज़ किया जाता है वो ट्रांसमिशन लाइन के जो कंडक्टर्स होते हैं उस कंडक्टर्स का जो है डायमीटर जो है जितना कम से कम हम लोग जो है रखने की कोशिश किया जाता है, जिसके वजह से हमें कोरोना लॉस जो है कम देखने को मिलता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर्स का जो है बहुत कम है लेकिन वो कंडक्टर अगर हिली एरिया में लगा हुआ है तो उस जगह में हमें जो है कोरोना इफेक्ट देखने को मिलेगा।
तो गाइस मैंने अभी जो भी बातें आपको बताया ये जो है कोरोना इफेक्ट से रिलेटेड है और यही जो है फैक्ट है कोरोना इफेक्ट का। आई होप कि आपको मैं समझा सका कि आखिर ये कोरोना इफेक्ट क्या है, ये जो है कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर जो है डिपेंड करते हैं, इसका क्या डिसएडवांटेजेस है और आखिर इसे जो है कैसे हम लोग डिक्रीज कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपको मेरे बताने का टेक्निक पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और मैंने आप सभी लोगों के लिए जो है बेसिक इलेक्ट्रिकल का एक प्लेलिस्ट बना दिया है, प्लीज़ उस प्लेलिस्ट को एक बार विजिट करिए, आपको उसमें बहुत सारे क्वालिटी कंटेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के वीडियोस मिलेंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।